वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। हम है पिंपलास गांव में विजय भाई के साथ में। गुड मॉर्निंग विजय भाई। गुड मॉर्निंग भाई। सुबह के 9 बज रहे हैं तकरीबन, और थैंक यू फॉर टाइमिंग, आपका टाइम देने के लिए। एक्चुअल में जल्दी जल्दी यही बड़ी बात है हमारे लिए। एक्चुअल में रजा भाई बोल रहे थे कि सुबह में जल्दी मिल नहीं पाएंगे, शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, बट उसके लिए अच्छा। अभी हम फिलहाल है कहाँ पे एग्जैक्टली, पिंपलास में कहाँ पे है? पिंपलास करके गांव है भिवंडी में, जो भिवंडी बाईपास है उसे नियर बाय 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर किसी को मैप पे डालना है तो मुकादम एग्रो फार्म करके डाले तो भी चल जाए। क्या बोलेगा फिर से? मुकादम एग्रो फार्म करके। मुकादम एग्रो फार्म का नाम है, मुकादम एग्रो फार्म रजिस्टर्ड है इसके ऊपर, मैप के ऊपर। हाँ, मैप के ऊपर रजिस्टर्ड। ओके ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रजा भाई जो है हमारे एक आपके क्लाइंट है, क्लाइंट है, उनके बकरियां है, बकरियां सेल करनी है, जो उसमें काफी गाबन है, और दो गाबन है आई थिंक सो, दो गाबन और टोटल कितने हैं काउंट? टोटल 13 है, 13 बकरियां है, सब सेल करने हैं उसके अंदर। सब सेल करने हैं। ठीक है, हम एक एक करके देख लेते सारे बकरियां। तो इसमें ज्यादातर ब्रीड कौन सी है? सोजत ब्रीड है। सोजत ब्रीड है, माशाल्लाह। और इनमें एक बात जो मैंने नोटिस किया, इनके भी बाल निकाले हुए सबके। हाँ, बाल निकाले हुए रमजान के सेकंड वीक में निकाले। ओके, तो इसका कोई खास रीजन बाल निकालने के लिए? क्योंकि बकरियां और फीमेल्स की ज्यादातर लोग बाल नहीं निकालते, काफी लोग गर्मी में ट्रिम कर देता हूँ मैं, साल में एक बार बकरियों के बाल उतार देता हूँ। अच्छा, उतार देते। अभी इनमें जो बकरियां है टोटल 13 जो आपने काउंट बोले, उसके अंदर कितने दांत के है, कहाँ से लेके कहाँ तक, स्टार्टिंग कहाँ से? दो दांत की है, 3 बकरियां। हाँ, और बाकी 8 दांत के और 3 बच्चे। 3 बच्चे। एक एक बता देते हैं, जो सबसे पहले ऊपर खड़ी जो है ये क्या, ये क्या डिटेल है? गाबन है। हाँ, 8 दांत। कितने महीने की है ये गाबन? ये अराउंड 2.5 से 3 महीने की गाबन लगती है। 2.5 से 3 महीने की, और 5 महीना 10 दिन आई थिंक सो टाइम लेते हैं। ओके, तो ये इसका ब्रीडर भी अपने पास यही पे था। ब्रीडर है यही, ब्रीडर है ना ये भी, कौन से इसमें पतिरम है। हाँ, ये पतिरम। तो बच्चे जो है एक्चुअल में क्रॉस आ रहे होंगे फिर इनके। हाँ, और रिजल्ट कैसा है इनका? पूरा का पूरा अपने पे लेता है बच्चा, पूरा इनके लेता है अपने पास में, इसके लगी हुई। अच्छा, ये सामने बकरी है, ये बकरी। हाँ, इसका ये बच्चा है, बच्चा आता है। ये बकरी फर्स्ट टाइम जो नहीं है अपने पास, ही फर्स्ट टाइम दे रही है, ये फरवरी में आया हुआ है। अच्छा, फरवरी में आया, माशाल्लाह। मेल है? मेल है, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, अच्छा। और ये जो है बकरी बच्चे के साथ में? हाँ, बकरी बच्चे के साथ में रहेगी। इनकी कुछ प्राइस बताए? प्राइसिंग तो नहीं मालूम मुझे, उनके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। इनके लिए रजा भाई, रजा भाई का, रजा भाई का नंबर एक बार आप बता दो ना, आपके पास है? और इनमें से जो बकरिया है, एक्चुअली में बाहर बहुत ज्यादा बारिश थी, वो हिसाब से थोड़ा मौसम ठंडा है तो सुस्त लग रही है, बट माशाल्लाह। ये बकरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्या डिटेल पे? ये 8 दांत पे है, ये मेरे ख्याल से वो 1-8 महीने की गाबिन है, लेकिन अब मैं शॉर्ट शॉर्ट नहीं बोल सकता। और ये ऊपर जो खड़ी है ये 2 दांत पे है बकरी, पट है, पट है अभी तक, मतलब लगी लगी नहीं है अभी। ओके, तो इनकी प्राइस के लिए किसको, रजा भाई को? रजा भाई को कॉल करना, एक बार नंबर बस बोल दो ना। नंबर है 810-8268-649-61। तो ये अभी फिलहाल मुंबई में रहने के लिए है, और कभी भी अवेलेबल है कॉल या मैसेज करने के लिए। जिस किसी को भी चाहिए वो नंबर पे कांटेक्ट करके इनका स्क्रीनशॉट निकाल के भेज सकता है।
ये बकरी ने एक बच्चा दिया है, ये बकरी ने, हाँ वही से लग के आई थी अपने पास में। ओके, उसका मेल है, ये बच्चा, एक बच्चा दिया, गुलाबी बच्चा है एकदम, सोजत में ही है, सोजत में ही है, माशाल्लाह एकदम फुल एक्टिव है, दोनों बच्चे फुल एक्टिव है। माशाल्लाह ये पीने के टाइम पे ऐसे चिल्लाता है। बच्चे है अभी वो। और दूसरी बकरी जो है प्राइस के लिए सब तो राजा भाई को पूछना पड़ेगा। ये बकरी हमने देख लिया बराबर, नहीं ये नहीं देखी है, अच्छा फुल लोडेड है, ये फुल लोडेड है, हाँ। कितने दांत पे ये? 8 दांत पे, ये भी 8 दांत पे, और जी और इसकी डिटेल क्या है, मतलब इनमें तो मतलब वेट वगैरह तो देखते नहीं है ना? नहीं इसमें वेट का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वही जितना कम रहेगा, मैंने सुना होगा उनके पेट में चर्बी कम होती है, हाँ। जो उनकी मोस्टली आपको मेरे पास में बकरी या दुबली पतली ही दिखेंगी, हाँ। तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन? मोटी रहती है ना तो फिर वो चर्बी आ जाती है, गाय की जो पन्नी रहती है, हाँ, गर्भ पिशी बोलते हैं, वो चर्बी आ जाती है तो फिर वो मतलब बेकार हो जाती है, फिर बकरी फिर बांझ भी होने का चांस हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बच्चा है, ये बकरी का, अभी ये बकरी है देखो आप, पूरी सोजत में, हाँ बेदाग है लेकिन वो, ये और ये बच्चा है, माशाल्लाह अच्छा है। और इनको एक्चुअल में से रखने के लिए डाइट क्या देते हो? इनको चुन्नी रहती है 4 टाइप की, लाल चुन्नी रहती है, हाँ तुअर की चुन्नी रहती है, फिर उसमें वासत करके आता है और एक गाय छाप करके आती है, 4 टाइप की चुन्नी रहती है और चना छिलका रहता है। तो मिक्स करके कितने टाइम पे देते हैं? मिक्स करके सुबह के टाइम में दे देते हैं बस, एक ही टाइम दिन में? दिन में खुराक एक टाइम, चारा दो टाइम। तो एक्चुअली गिला मैंने बंद कर दिया है बारिश के टाइम के, अभी नहीं तो फिर अपना ये खेत है सामने, इसमें ज्वारी रहती है, अभी भी उसमें ज्वारी है, वो कटिंग नहीं की है। अच्छा सही है, तो इसकी वजह से वो जो है एक्चुअल में थोड़े फिट रहते हैं बकरियाँ, ज़्यादा हेल्दी होते नहीं है, और उसकी वजह से जो है इनको प्रेगनेंसी वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और ये जो है मुंडी है, अच्छा ये देख लिए, ये देख लिए, वो एक गाबन है कंफर्म, और ये एक गाबन है कंफर्म, ये कंफर्म बाबा, ये तीन पट है, एक दो तीन, ये पट ने बच्चा फेंक दिया, वही से लग के आई थी, अच्छा बच्चा फेंक दिया तो उसको थोड़ा सा हेवी पड़ा है, अच्छा हाँ। तो ये अभी फिलहाल चालू है, हाँ एक्टिव हो गया, कैल्शियम वैल्शियम पीती रहती है। तो ये जो बच्चा फेंक देते हैं प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर की वजह से उनको पूरा वो बॉडी फिर अंदर के साइड में पूरा बॉडी, बट ये ट्रैवलिंग की वजह से हुआ या कुछ और? ट्रैवलिंग की वजह से नहीं, कोई और बकरी मार देती है तो भी हो जाता है? बकरियां मार देती है ना, अभी छोटी है तो एक ने उसको धक्का दिया रहेगा पेट पे, तो वजह से वो फेंक दिया रहेगा। और दूसरी पट कौन सी बोले आपने? एक ये तो ऊपर खड़ी थी और एक ये पट पीछे जो खड़ी है, थोड़ा आगे जाकर भी सोजत में क्रॉस है वो पट, अच्छा क्रॉस है, क्वालिटी में। आपके पास मोस्टली यहाँ पे जो है बकरियाँ ही है आप पाल रहे हैं, तो इसमें मेरे को एक चीज़ आप बताओ कि इसके अंदर जो क्रॉस करने पे आपको रिजल्ट अच्छा मिला या प्योरिटी के अंदर रिजल्ट अच्छा मिला? प्योरिटी के अंदर ही रिजल्ट अच्छा, प्योर के अंदर रिजल्ट अच्छा है, मीन्स मेल मेल भी सोजत और ये फीमेल भी सोजत, या तो फिर तो सोजत ही रहेगा ना, हाँ तो जो उनकी साइज पकड़ने की रहती है ना, साइज रहता है। अभी ये देखो ये दो बच्चे आपने थे ना, हाँ अंदर, अच्छा अंदर है केज में, दोनों अंदर आए हैं, हाँ अभी ये ओरिजिनल सोजत है। और ये जो है कितने बच्चे एक टाइम पे देती है? इसने दो बच्चे फेंके दिए, पहला रहे दो बच्चे फेंके दिए, किसने दो बच्चे और ये की थी। ओके, और बाकी मैक्सिमम आपके इधर अभी फिलहाल जो है वो कितने दे रहे बच्चे? दो बच्चे तक के रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं, माशाल्लाह अच्छा। तो जिस किसी को भी चाहिए वो नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, रजा भाई का नंबर नीचे दे दूंगा मैं। क्या बोले? ये भी क्रॉस है? ये हैदराबादी और पतीरा क्रॉस रहेंगे, हैदराबादी और पतीरा क्रॉस रहेंगी, माशाल्लाह। इधर इसे घुमा दो थोड़ा सा, बहुत अच्छी है, फुल पंच, छोड़ दो उसको नीचे, छोड़ दो नीचे, छोड़ दो उसको। कितने महीने की होंगी ये? 3.5-4 महीने की रहेगी। और कितने टाइम पे ये मतलब ब्रीडिंग के लायक हो जाती है मेटिंग के? अगर दो दांत के बाद उसको क्रॉस किया ना तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो उसके फिर वो बच्चा जो आता है वो थोड़ा हेल्दी आता है। अच्छा, और उससे पहले करेंगे तो शायद चांसेस, हाँ तो चांसेस क्या रहते हैं मालूम है क्या?
वो जो बकरी जनती है उसको भी अकल नहीं रहती है, वो बच्चा चाटती नहीं है, कुछ नहीं रहता, संभालती नहीं है बच्चा, दूध वगैरह पिलाने में भी तकलीफ देती है फिर वो। ठीक है चलेगा, तो हम नीचे नंबर डाल देंगे, जिसकी जो चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसमें से कोई भी बकरी का। और रजा भाई बाकी के जो प्राइस है वो रजा भाई बताएंगे। ठीक है चलो, शुक्रिया।